हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम। यहाँ पर तुर्किश लीग का मैच हो रहा है बेसिक्टस वर्सेस गाजियान्टेप के बीच 10:30 बजे। एक्चुअली मैंने इस मैच को प्राइम में बोला था कि नहीं खेलना, मैंने इस पर सुबह ही शेड्यूल में बोल दिया था कि मैं इस मैच को कवर नहीं कर रहा। लेकिन अब क्या है कि कहीं मेंबर्स ने बिना देखे ज्वाइन कर लिए काउंटर्स, और कहीं जो ओपन मेंबर्स हैं उनको तो पता नहीं था कि ये मैच मैं स्किप कर रहा हूँ। तो उनके लिए ये वीडियो है कि अगर आप ज्वाइन कर चुके हो, आपकी मजबूरी है, फिर तो आपको खेलना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया तो मैं कहूँगा मत ही करो, थोड़ा रिस्की मैच है। बाकी बात करें ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट जुड़ो। तो बात करते हैं इस मैच की। देखिए, बेसिक्टस एंड गाजियान्टेप, मैं आपको बता दूं ये दोनों टीम्स काफ़ी, मतलब मैं कहूँगा बेस्ट टीम्स हैं। मतलब नहीं, दोनों नहीं, गाजियान्टेप उस वक्त बेस्ट है अगर गाजियान्टेप का परला भारी हो, वरना देखा जाए तो बेसिक्टस टीम इनसे बहुत आगे है। लास्ट सीज़न को भी अगर आप इनसे मेल मिलाते हो तो आपको पता चलेगा कि बेसिक्टस टीम इनसे कितनी आगे थी। तो इसलिए मैं बेसिक्टस को फेवर करूँगा। तो स्ट्राइकिंग में सबसे पहले बात करूँ तो वी ए बुपकर मेरी टीम का एक सबसे जेन्युइन प्लेयर जो मुझे आज लग रहा है, जो बंदा गोल करने से पीछे नहीं हटेगा। जब ये इस टीम में आया था तभी मैंने बोल दिया था कि बेसिक्टस टीम अब बहुत आगे जाने वाली है, क्योंकि इसके खेलने से बहुत कुछ बदलेगा। क्योंकि आज ये बंदा पिछले सीजन से इसको आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, जिस टीम में पहले खेलता था वहाँ पर भी इसने खूब नाम कमाया था, खूब नाम, मतलब इतना नाम तो आई थिंक उस लीग में किसी खिलाड़ी ने नहीं कमाया होगा, मतलब इतना जेन्युइन अच्छा खिलाड़ी है। उसके बाद बात करें रशिका की, ग्रेट वापसी यहाँ पर हो सकती है। उसके बाद सी टॉसन का भी पता नहीं कि खेलेगा नहीं खेलेगा। और गैजल की बात करूँ, गैजल का गोल आना एक्सपेक्टेड नहीं है। सो जो भी आपका दूसरा स्ट्राइकर खेलेगा, भले ही वो गैजल हो, भले ही वो सी टोसन हो, भले ही वो एम रशिका हो, आपने उसको लेना है। अभी आप इसको सेव कीजिए, गैजल को। उसके बाद ऑपोजिशन टीम की बात करें, मुझे मैक्स क्रेडल अलग लगता है, बिल्कुल डिफरेंट खिलाड़ी है गाइस। बट मैक्स क्रेडल की जगह लोग ड्रैगस को लेके सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, बट ड्रैगस का गोल बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। अब आपको लग रहा है कि मैक्स क्रेडल ना फ्लॉप हो रहा है, सही बता रहा हूँ, मैक्स क्रेडल ऐसा खिलाड़ी है वो इनसे डरने वाली चीज़ ही नहीं है। मैक्स क्रेडल अपनी पे आ जाए तो सामने वाली टीम गई, मतलब अच्छा है। लेकिन अब मेरे को भी ड्रैगस लेना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है यहाँ पर मेरी भी। एंड बात करें मिडफील्डिंग की, ए ऑक्सेल्ड पहले लिवरपूल में हुआ करता था, और जितने दो मैच खेले हैं ज़बरदस्त गोल, पिछले मैच में सब्स्टिट्यूशनल गोल, पहले मैच में इन प्लेइंग 11 गोल, उसके बाद बहुत बढ़िया फॉर्मेशन पे इसको रखा गया है। उसके बाद अगले प्लेयर की बात करें तो कई लोग हेडजी को भूल गए हैं, हेडजी चल गया तो आपके काम आ सकता है, जीएल में ट्राई कर लेना। और अभी तो मैं जी फर्नांडिस को लूँगा, जी फर्नांडिस एक्चुअली ना बेटर प्रदर्शन कर रहा है अभी, मेरे को एस उकन की भी इतनी ज़रूरत नहीं लग रही जितनी कि मेरे को जी फर्नांडिस की लग रही है। ठीक है, पहले तो मैं दोनों को ले सकता था, लेकिन आज अगर आप कहो कि तू तीन मिडफील्डर ले एक ही टीम के, तो गाइज वो तो हो नहीं सकता, वो तो फिर ये हो गया, वो तो अपने आप पर दबाव डालने वाली बात हो गई। और अभी मेरा अगला जो खिलाड़ी होगा वो होगा गाजियान्टेप का फुरकन सुवेलप, और अगला जो मेरा प्लेयर है गाइस वो अलेक्जेंड्रू मैक्सिम को मैं लेना चाह रहा हूँ अगर खेलेगा, क्योंकि ये बहुत अलग है, बिल्कुल डिफरेंट। जब मैक्स क्रेडल और अलेक्जेंड्रू मैक्सिम जब एक साथ खेलेंगे तो अलग ज़्यादा बहुत बढ़िया मज़ा आ सकता है। तो बात करें यहाँ पर अगर डिफेंडिंग की तो एनन कोलू, क्योंकि अच्छा है, बट एनन कोलू को वो लोग लेंगे जिनको डर है। ठीक है, अब मैं लेता हूँ तो शायद मुझे डर है, बट मैं लूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे इस मैच के अंदर डर नहीं है। हमें ऐसे खेलना है मैच, हमें फ्री माइंड खेलना है। अगर आप डर के टीम बनाओगे, ज़बरदस्ती प्लेयर को लोगे तो हारोगे। उसके बाद वी रोजियर की बात करें, वी रोजियर को लूँगा, और एक बेसिक्टस का प्लेयर है ये भी, ओमर कोले अच्छा है। फॉर्मेशन बदल गई ना, कहाँ बंदा तीसरी डिफेंडिंग भी होता था सेकंड कर रहा है, तो अच्छा प्रदर्शन करेगा। उसके बाद इनके और भी प्लेयर्स हैं, बट मैं ई बैले के साथ जाऊँगा, क्योंकि ई बैले बड़ी टीम से आया है तो उसको एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा होगा। उसके बाद गोल कीपिंग सेक्शन की बात करें, एफ नीटा ने इनको काफ़ी बार भी फेस किया होगा, नहीं भी किया तो चलेगा, क्योंकि एफ नीटा को अब एक्सपीरियंस बढ़ेगा इसका। बात करें कप्तान की, देखिए मेरा जो कप्तान है वो है वी ए बॉपकर, वाइस कप्तान देखिए या तो मैं ऑक्सेल्ड को रखूंगा, नहीं रखा अगर नहीं खेला तो फिर मैं रखूंगा जी फर्नांडिस को। आप देख लीजिए किसको रखना है, अभी तो ये इससे सेफ कॉम्बिनेशन मेरे पास गाइज है नहीं आज के लिए, ना मेरे पास कोई सेकेंड ऑप्शन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।